एक्स गोलंबर के पास में देखिए एक बार फिर से सीटीटी का प्रदर्शन शुरू हो गया है और लगातार देखिए अब यह मुर्दाबाद के नारों के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुतला दहन की पूरी तैयारी की जा रही है और जिस तरीके से ये काला बीला लगा करके हम लोग काला पट्टी बांध करके सरकार को जगाने के लिए निकले हैं। ये अंधी बहरी गूंगी सरकार हमारी मांगों को दरकिनार कर रही है। पिछले 3 साल से हम लोग रोड पर भटक रहे हैं, हमारी मांगे को सुनी नहीं जा रही है, हम लोग को इग्नोर किया जा रहा है, युवा पीढ़ी को जवानी बर्बाद कर रहा है सरकार। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, सरकार को आंख में आंख डाल करके सवाल करेंगे। ये लोकतांत्रिक तरीके से मेरा अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। पिछले 3 साल से हम लोग रोड पर भटक रहे हैं, लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब लोकतंत्र जिंदा नहीं है, यहाँ लाठी तंत्र आ गया है। इसलिए हमारी युवा पीढ़ी को आगे होनी होगी और जन जन में आवाज को बुलंद करना होगा। जय हिंद। देखिए ये लगातार आवाज़ों के नारों के साथ यहाँ पर ये नारेबाजी गूंज रही है और जिस तरीके से कह सकते हैं कि ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, इसमें इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन हुए। हाँ, हुआ था। शिक्षा मंत्री जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे या अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा। बिहार के अंदर रहने वाले तमाम स्कूलों में आज शिक्षकों की जरूरत है। पिछले 3 साल से सरकार के द्वारा आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है, अब हम लोगों को नोटिफिकेशन चाहिए, हम लोगों की एक नई जिंदगी चाहिए, हम लोगों की बहाली चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर रहने में हम लोग को इज्जत मान सम्मान और बिहार के वो सारे गरीब बच्चे जो पढ़ने से छूटा रह गए हैं उनको भी पढ़ने का मौका मिले और स्कूल के अंदर एक स्किल्ड शिक्षक बहाल हो। मैं मांग करता हूँ शिक्षा मंत्री से जल्द विज्ञप्ति जारी करे। अब तक के टाल मटोल से क्या लगता है कि इतनी जल्दी मांगे आपकी सुनी जाएगी? मांग सुनी नहीं जाएगी तो आत्मदाह कर लेंगे हम लोग सारे विद्यार्थी गर्दनी बाग के धरती पर, लेकिन आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। मैं शिक्षा मंत्री जी को यह चुनौती देता हूँ, कहता हूँ शिक्षा मंत्री जी से कि आप जल्द से जल्द जारी कीजिए नोटिफिकेशन। जय हिंद, जय भारत। ये इस प्रकार के आंदोलन करने के लिए क्या परमिशन लिया गया है या ऐसे ही? हाँ, परमिशन लिया गया है, परमिशन लेकर आंदोलन किया जा रहा है। ये यहाँ के लिए या गर्दनी बाग के लिए? ये रोड पे आंदोलन करने के लिए परमिशन नहीं लिया जाता है। हाँ। रोड पे आंदोलन करने के लिए आप स्वतंत्रता पूर्वक अपने लोकतंत्र के आधार पर आप व्यक्तिगत रूप पर बात रख सकते हैं सरकार के समक्ष, और यह एक लोकतांत्रिक लड़ाई है। इस लड़ाई में आप भी साथ हैं, हम भी साथ हैं। मीडिया जो है इंडिया की चौथी स्तंभ है और जो लोकतंत्र के साथ खड़ा होकर हमारी आवाज़ को उठाती है, इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और नोटिफिकेशन लेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये अभी का ये कहाँ तक जाएगा रैली आपका? अभी तो इनकम टैक्स चौराहे तक जाएगी और वहाँ से कहाँ तक जाएगी इसकी डिसाइड अभी नहीं की गई है, लेकिन सरकार की रवैया को देखते हुए हो सके तो शिक्षा मंत्री घर तक भी जाए। अपनी बातें पहुँचाने का महज अब शिक्षकों के पास में यही एक रास्ता बच गया है। हाँ, एक रास्ता बच गया, क्योंकि सीटेट एग्जामिनेशन फ्री होता है और लाठी खाना मेंस होता है। ज्वाइनिंग होता है लाठी खाना और आंदोलन करना मेंस होता है, और ज्वाइन करने तक जितना सारा आंदोलन होता है वह इंटरव्यू होता है, उसके बाद जाकर शिक्षक बहाल होते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखिए ये लगातार अब शिक्षकों के द्वारा जिस तरीके से रोड पर उतर करके प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सीटेट और बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सुने पुकार आखिर किससे ये सुनवाना चाहते हैं? जी, हम अपने शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार को सुनवाना चाह रहे हैं कि हम लोगों की पुकार को सुना जाए। नहीं सुना जा रहा, बिल्कुल नहीं सुना। सिर्फ आश्वासन देती है सरकार की 6ठा चरण समाप्त हो जाएगा, हम तुरंत ही 7वीं चरण की बहाली, लेकिन कुछ भी नहीं, सिर्फ आश्वासित करते रहते हैं। के बाद क्या ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? जी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सर। हम लोगों की यही मांगे है कि हम लोग को नोटिफिकेशन दे दे, धरना प्रदर्शन हट जाएगा। हम लोगों का मांग यही है सर कि प्राथमिक नोटिफिकेशन जारी करे सरकार, अन्यथा हम लोग का दिन प्रतिदिन उग्र प्रदर्शन जारी रहेगा और हम लोग बिना नोटिफिकेशन लिए हुए इस पटना के धरती से नहीं जाने वाले हैं, अन्यथा मेरी प्राण क्यों न गंवाना पड़े यहाँ से। लेकिन हाँ, नहीं अगर नोटिफिकेशन देंगे हम प्राण यहीं पे गवा देंगे। सरकार से हमारी भी आग्रह है कि इनकी मांगों को एक बार गंभीरता पूर्वक लिया जाए और जिस तरीके से लगातार अब ये हर रोज कोई ना कोई नया हथकंडा अपनाकर प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं, इससे इन्हें छुटकारा मिल जाए। सरकार आखिर क्यों नहीं कर रही है,
सरकार की मंशा क्या है सरकार अब तक स्पष्ट नहीं कर पाई है। आप देख सकते हैं ये पुतला बना करके जिस तरीके से अभी प्रदर्शन किया जा रहा है, इनकम टैक्स तक ये पूरा प्रदर्शन जाएगा और फिर उसके बाद ये निर्धारित होगा कि आखिरकार क्या करना है आगे के लिए। और ऐसे में सबसे बड़ा बात तो यह है कि यह प्रदर्शन को लेकर के सरकार क्या सोचती है, क्या सरकार पर इसका प्रभाव भी पड़ता है या नहीं, यह सवाल इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से, चलो यार तुम कह लो हमको नीचे के पीछे दे रहे हो, आने तो उन लोगों से क्या लेना देना है आपको, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह रहेगा कि जिस तरीके से अभी जदयू और बीजेपी दफ्तरों में भी कटोरा लेकर के सीटेट और बीटेट वाले लगातार प्रदर्शन किए, अपनी मांगों को सुनवाने का एक नया तरीका अपनाए, लेकिन उन सबके बीच भी जिस तरीके से अभी तक इनकी बातों पर अमल नहीं किया गया, नहीं सुना गया है, आगे क्या होगा वो आगे आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने दीजिए, नमस्कार।